जिंदगी जिंदाबाद। देखना जो चाहते हो इनकी उड़ान को, तो और ऊंचा करना पड़ेगा आसमान को। ये दुनिया क्या, दुनिया बनाने वाला भी इनका आभारी है, ये नारी है। ध्यान रखेंगे, अभी प्रमिला मलिक चर्चा में रही हैं, क्योंकि ओडिशा विधानसभा की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगर आपसे पूछता है प्रमिला मलिक खाली में चर्चा में रही ये कौन है, तो ओडिशा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। अगर पूछता है प्रमिला मलिक कहाँ की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है, जो 21 सितंबर 2023 को बनी, इसी से संबंधित जानकारी जानना है कि आखिर भारत के किस राज्य के विधानसभा में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी, तो हरियाणा के विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, नाम था शन्नो देवी। क्या नाम था? ये है शन्नो देवी। ध्यान रखेंगे, शन्नो देवी भारत के किसी राज्य में विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है, जो कहां के विधानसभा, हरियाणा, जो कब बनी थी, 1966 में बनी थी। तो शन्नो देवी के बाद और इससे संबंधित कुछ जानकारी आइए जानते हैं। सरोजनी नायडू भारत के किसी राज्य में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी 1947 में। और इनके बारे एक जानकारी और जानना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पहली भारतीय महिला अगर पूछता है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो किनका नाम आता है? सरोजनी नायडू का ही नाम आता है। इसके बाद ये है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी को क्यों याद रखेंगे? क्योंकि भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली ये क्या थी, पहली महिला थी, जो उत्तर प्रदेश की ही बनी थी 1963 में। अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य ने भारत को पहली महिला राज्यपाल भी दिया और पहली महिला मुख्यमंत्री भी दिया। इसके बाद इन्हें देखिए, ये है राजकुमारी अमृता कौर। अगर आपसे पूछता है कि राजकुमारी अमृता कौर कौन है, तो ये भारत की पहली केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनी और भारत की पहली महिला केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। क्या हो जाएगा? भारत की पहली महिला केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कौन रही है? राजकुमारी अमृता कौर, जो किस मंत्रालय को संभाली थी, स्वास्थ्य मंत्रालय को। 1947 से लेकर के 1957 तक स्वास्थ्य मंत्रालय को इन्हीं के हाथ नेहरू जी दिए हुए थे। तो ये हम लोग जान पाए मुख्य बातें जो भारतीय महिला से संबंधित है। अब आप लोग की बारी है कि आप लोग कौन से पद को ग्रहण करेंगे। वैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय का कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, आरबीआई की कोई अभी महिला गवर्नर नहीं बनी है, हम लोग के देश की अभी कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। तो इन पद को अभी खाली है, आप लोग का हाँ बारी है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग जिक्के में अपना नाम लीजिए। तब तक के लिए जिंदगी जिंदाबाद।